1989 में आगरा को नगर निगम घोषित किया गया, यानी लगातार जब शहर आगे बढ़ रहा था, उसका दायरा बढ़ रहा था, तो इसको नगर निगम घोषित किया गया। उससे पहले आगरा एक नगर महापालिका थी। और देखिए, नगर निगम के बाहर जो जो स्टोन लगा हुआ है, उस पर साफ नज़र आ रहा है कि उस समय की तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, उन्होंने 20 मई 1965 को इस महापालिका नगर महापालिका के भवन का उद्घाटन किया। और उस समय के तमाम जो अधिकारियों हैं, जो नगर प्रमुख हैं, उनका नाम भी इस पत्थर पर अंकित है। उस समय 1965 में कल्याण दास जैन आगरा के नगर प्रमुख हुआ करते थे। बाद में व्यवस्था परिवर्तन के हिसाब से इसको महापौर मेयर इस पद का नाम दिया गया। देखिए, इसके साथ ही मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि आगरा नगर निगम कार्यालय के एंट्रेंस पर ही जिस तरह से तमाम जो स्टोन लगे हुए हैं वो बता रहे हैं कि आगरा का एक बहुत ही वैभवशाली इतिहास रहा है। और देखिए किस तरीके से 1989 से 1994 में रमेशकांत लवानिया यहाँ नगर प्रमुख रहे, और पहली बार आगरा नगर निगम 1989 में अस्तित्व में आया, और उसके बाद से लगातार यहाँ बीजेपी का ही एक के बाद एक कब्ज़ा है। किशोरी लाल माहौर मेयर रह चुके हैं, अंजुला सिंह माहौर मेयर रह चुकी हैं, इसके साथ ही जो बेबी रानी मौर्या हैं इस समय सरकार में जो कैबिनेट मंत्री, वो मेयर रह चुके हैं। और देखिए, लेटेस्ट जो आपको स्टोन मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वो साल 2017 से 2022 और नवीन जैन नगर निगम आगरा के यहाँ मेयर रहे हैं। और 100 वार्ड हैं आगरा में, तो पार्षद यानी 100 चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तमाम जो सांसद MLC MLA हैं वो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। इसके साथ ही 10 लोगों को नॉमिनेट पार्षद बनाया जाता है। तो जो नामित सदस्य आप देख रहे हैं वो 10 लोग हैं, तो 100 + 10 = 110 पार्षद सदन में बैठते हैं, उसकी कार्यकारिणी में हिस्सा लेते हैं, वाद विवाद रहता है, बाकायदा पार्लियामेंट की तरह पूरा एक परिदृश्य नज़र आता है। और आगरा के विकास के लिए तमाम योजनाओं पर चर्चा होती है, गहन चिंतन मनन होता है, उसके बाद प्रस्ताव पास होते हैं। तो कुल मिला के शहर की सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी औपचारिक शुरुआत आज से हो चुकी है, और आज से लेकर 17 तारीख तक अब जो नामांकन किए जाएंगे, उसके बाद नामांकन वापसी की प्रक्रिया होगी। इसी बीच तमाम जो सियासी दल हैं वो अपने कैंडिडेट घोषित कर देंगे, और 4 तारीख को जब वोटिंग होगी और 13 तारीख को मतगणना के बाद आगरा को एक नया नगर प्रमुख मिल जाएगा, जिसको मेयर कहा जाता है। इसके साथ ही 12 अन्य जो नगरीय निकाय हैं उनके प्रमुखों का भी ऐलान हो जाएगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।